नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। जवनी के दिन आई है, बनत न लागी देर। परिवर्तन का समय चल रहा है मित्रों, परिवर्तित हो जाइए, आनंद आएगा। अक्टूबर माह 100% परिवर्तन का माह, परिवर्तन होगा। देखिए, संसार में प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, संसार में कुछ भी रुक नहीं सकता। आप चाहें या ना चाहें आपकी सांसें चलेंगी, आप चाहें या ना चाहें दिन होगा, रात्रि होगी, सायंकाल होगा, चाहें या ना चाहें मौसम भी बदलेगा। तो उसी तरह ब्रह्मांड में जो स्थितियां बन रही हैं वो बदलाव की हैं। इसलिए प्रकृति के साथ स्वतः संतुलन बनाइए और बदलना शुरू कर दीजिए। एक बेहतरीन अवसर आ रहा है आपके लिए। शनि महाराज आपके वक्री थे, वक्री हैं और वक्री रहेंगे, ठीक है। नवंबर में मार्गी हो रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति कहाँ पे वक्री हो रहा है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अभी तक वैसे नक्षत्र में वक्री थे जो तोड़ने के लिए जाना जाता है, जो खत्म करने के लिए जाना जाता था, जो अर्थी के पाए जैसे था। लेकिन अभी एक ऐसे नक्षत्र में आ रहे हैं जो चमत्कार युक्त है, जिसके पास चमत्कार है। तो भाई देखो, आप गोवा में जाओगे तो पार्टी करोगे और वृंदावन मथुरा में आओगे तो राधे राधे करोगे। वस्तु काल समय का बहुत ज़्यादा महत्व है मित्र। जिसके साथ बैठोगे, जैसे संगत होगी, वैसे जीवन में रंगत आएगी। तो शनिदेव आज नवरात्रि आरंभ हो रही है, नवरात्रि की पावन शुभकामना, पावन बेला पे आपको मंगल में शुभकामना। शनिदेव आज शतभिषा नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। आज जैसे शतभिषा में वक्री होंगे तो यहां से आपके लिए बेहतर करेंगे। प्रत्येक राशि पे तीन नक्षत्र चलते हैं, इतना तो आपको पता ही है। वर्तमान में शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो जो नक्षत्र था वो गुरु का नक्षत्र था। अभी यहाँ पे शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे। बेहतरीन स्थिति बन रही है। अक्टूबर माह वैसे भी परिवर्तन का ही माह है, परिवर्तन तो होगा ही होगा, कोई संदेह नहीं है। ये जो सत तारका नक्षत्र, इसको बोलते हैं 100 तारों का समूह वाला नक्षत्र है। इसको बोलते हैं 100 चिकित्सक, 100 डॉक्टर। मतलब आप कितनी भी परेशानी में हो, कितने भी बड़े बीमारी में हो, अगर 100 डॉक्टरों का साथ मिल जाए या 100 डॉक्टर इकट्ठा होकर काम करना शुरू करें तो आपकी परेशानी गायब हो जाएगी मित्र। 100 चिकित्सक हैं और 100 चिकित्सक 100 तरह की औषधियों को लेके चलते हैं, ठीक है ना। 100 तरह के उपचार एक साथ चलेंगे तो आपकी परेशानी कैसे ठीक नहीं होगी, ठीक हो जाएगी। तो आपके लिए एडवांस में शुभकामना। पहले चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले, यह भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जीवन में जो रोग हैं, जीवन में जो शोक हैं, जीवन में जो दुख हैं, उसको मिटाने के लिए यह एक दैवीय विधान आपके लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कितना सुंदर अवसर है, नवरात्रि के दिन ही यह इस नक्षत्र में आ रहे हैं। आदिशक्ति जगदम्बा समस्त सृष्टियों की एनर्जी को अपने अंदर संग्रहित करती हैं और प्रेषित भी करती हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिगुण शक्तियों का स्वरूप है। तो यह अवसर आपके लिए मंगलकारी हो। सत्तार का, इसको बोलते हैं 100 नक्षत्र, 100 तारों का समूह वाला नक्षत्र। मतलब जैसे किसी को आप सम्मानित करना हो ना, तो 100 गुलाब के फूल लीजिए और उसके गले में डाल दीजिए। तो ऋषियों ने इसको सम्मानित करने के लिए, या प्रकृति ने इसको सम्मानित करने के लिए ब्रह्मांड में ऐसा योजना बनाई कि 100 तारे इसके पास इकट्ठे कर दिए गए। तो भाई यह सम्मानित नक्षत्र है, और यह सम्मानित नक्षत्र है तो शनि यहाँ आके सम्मान देंगे। पॉइंट फिर से रिपीट करता हूँ, शनि वक्री हैं। वक्री शनि बहुत लोगों के साथ चीटिंग भी कराए हैं, ऐसा नहीं है कि सबके साथ राधे राधे होगा,
सभी के साथ एक जैसा नहीं होगा मित्र, ठीक है। इस संसार में आप एक ही समय दो लोग पैदा हो तब भी आपके साथ अलग अलग चीजें चलेंगी, तो परिस्थितियां सबके साथ एक जैसे कैसे चलेंगी। इसलिए अपने बर्थ चार्ट को अपने सामने रख लीजिए। आपके बर्थ चार्ट में राहु शनि की समय एक्सचेंज करना निश्चित रूप से सुखद परिणाम देकर जाएगा। बस राहु शनि की चीजों को ठीक करके रखिएगा। पॉइंट आगे इसी बात पे, कैसे ठीक करें। शतविषा नक्षत्र वृत्ताकार नक्षत्र है, चक्राकार है, ठीक है। चक्र का मतलब समय, तो समय को पकड़ना। यह जो चक्र होता है एक वृत्त बनाता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता लेकिन घेरा बना के रखता है रहस्यों को समेटे हुए। तो पहला पॉइंट यह है कि कोई कितना भी सगा हो उसको अपने रहस्य मत बताना। आप रहस्य बताएं नहीं, पर्दा हटा नहीं कि लोग आपको ठग लेंगे, इसलिए रहस्य बताए बनाए रखिए। मैं मौन हूँ यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं भीतर गया, मैं तर गया, पर्दा बना के रखिए। बताना ही नहीं, आपकी सफलता शोर मचा देगी, लेकिन आप पहले शोर मचाओगे तो सफलता आपसे दूर चली जाएगी। पहला पॉइंट, रहस्य गोपनीयता मर्यादा सीमा सभी कुछ नियंत्रित करके रखिएगा, कितनी चीजें छुपाना है, किस सीमा में रहना है। यहाँ पे आपके भूमि भवन वाहन से संबंधित जो कार्य नहीं हो पाए थे 2024 में वो कार्य होंगे। मतलब आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, आपकी प्रॉपर्टी के सही पैसे नहीं मिल रहे थे या लोग रुकावट डाल रहे थे, तो यहाँ पे वह आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे थे, वह प्रॉपर्टी आप परचेज कर पाएंगे, ठीक। कोई केस चल रहा था, आजकल तो केस तो बहुत आसान होता है, कोई भी किसी के ऊपर कर देता है, उस केस को सुलझा लेने की क्षमता इस नक्षत्र में है। तो शनि महाराज 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे, 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक। अब आपके पास मौका क्या है, भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ लेने के लिए, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए, कोई मुकदमाबाजी चल रही है उसको ठीक करने के लिए, या कोई लंबे रोग से आप चल रहे थे, लंबे रोग आपको हो गए थे, रोग ठीक ही नहीं हो रहे थे, उन रोगों को ठीक करने के लिए, उन रोगों को ठीक करने के लिए यह जो गोचरी स्थिति है यह बेहतरीन लाभ देके जाएगी। इसके साथ एक और मजेदार योग बना हुआ है, एक्सचेंज योग, राहु शनि का परिवर्तन राजयोग, नक्षत्र परिवर्तन राजयोग। भाई अब नहीं तो कब, मेरा तो एक ही पॉइंट है, अब नहीं तो कब। इसके जो देवत्व ग्रहण करते हैं वो जल के प्रधान देवता वरुण है, इसलिए उनका ध्यान रखिएगा, जल बेवजह बर्बाद मत करना। हमारे पहले पूर्वज होते थे ना, बोलते थे जल बर्बाद कर रहे हो लक्ष्मी रूठ जाएगी। लक्ष्मी रूठे या ना रूठे, लेकिन उससे संबंधित देवता डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। या जल के अतिरिक्त संतान सुख देने वाले देवता हैं, तो अगर आप जल को बर्बाद कर रहे हो तो संतान सुख भी क्षीण होगा। वरुण की पूजा करिए, वरुण की आराधना करिए, जल को नियंत्रित करिए। कहीं आप जा रहे हैं, नल खुला हुआ है, आपको लगता है बहने दो मेरा क्या जाता है, नहीं, गाड़ी रोके जाइए, नल बंद करके आ जाइए, बेहतर फल मिलना शुरू होगा। जल की रोकने की व्यवस्था कर सकते हो, रोकिए, बेवजह कोई बहाता है उसको मना करो, भैया सुधर जाओ। या नक्षत्र गुप्त धन है, या नक्षत्र शेयर है, शेयर मार्केट से जो गुप्त धन मिल सकता है वो है। साथ में भूमि के नीचे गड़ा हुआ धन है, हालांकि मैंने अपने जीवन में 2-3 लोगों को प्राप्त करते ही देखा है, प्रयास हजारों हजार लोगों ने किया, इसलिए भूमि के नीचे गड़ा हुआ धन के चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत बिरले ही ऐसे हों जिनको मिल जाए, नहीं मिलता उलता नहीं, सिर्फ हवाबाजी होती है। समुद्र के नीचे बहुमूल्य जो पदार्थ हैं, बहुमूल्य वस्तुएं हैं, बहुमूल्य खजाना है, बहुमूल्य चीज़ें, उनको प्राप्त करने का मतलब रत्न प्राप्त कर सकते हैं, दुर्लभ खजाना प्राप्त कर सकते हैं। मूला नक्षत्र और शतविषा नक्षत्र की खास बात है, ये दोनों जड़ तक जाते हैं, तो आप इस बीच में जो भी खोज करेंगे वो जड़ तक जाएंगे। आप अनुसंधान करना शुरू करेंगे, कोई थीसिस लिखना है आप स्टार्ट करिए, पीएचडी करना चाहते हैं स्टार्ट करिए,
कहीं जो अच्छी जगह एडमिशन लेना चाहते हैं प्लीज स्टार्ट करिए, क्योंकि राहु पंचम में और शनि चतुर्थ में बढ़िया योग है, सुंदर योग है। ठीक है, या क्रियाशील नक्षत्र है, चर प्रकृति है, ऊर्जावान है, अतः आप क्रियाशील होंगे, आप निरंतर चरैवेति में चलेंगे और ऊर्जा आपकी बन रही है, आपका आलस्य आपको खत्म हो रहा है, आप रोग में थे रोग खत्म हो रहा है, आलस्य खत्म हो रहा है, प्रमाद खत्म हो रहा है, आत्मबल मजबूत होगा, क्योंकि यह नक्षत्र कसाई जैसा है। कसाई का मतलब फालतू चीज़ों को डिस्कनेक्ट करके सही चीज़ों को व्यवस्थित करना। तो अब इस नक्षत्र में जो आपके कार्य होंगे, जो भी आप चमत्कार कर सकते हैं, चमत्कारिक नक्षत्र है, जादूगर नक्षत्र है दोस्त, तो जादू आप दिखा सकते हैं, जादू मतलब लोगों को चमत्कृत कर सकते हैं, लोग सोचते हैं अरे ये कुछ नहीं कर पाएगा, और अचानक आप बहुत बड़ा करके उनके सामने खड़े हो जाते हो, लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बिजली से संबंधित जितने काम हैं आप कर सकते हैं, अंतरिक्ष में जो काम कर सकते हैं वो आप मतलब हवा से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो चलेंगे, फिल्म आप बना रहे हैं, फिल्म में अभिनय कर रहे हैं, काम चलेगा। इसमें आप YouTube चैनल शुरू करना चाहो, YouTube चैनल आपका बेहतर चलेगा, बेहतरीन अवसर है। मदिरा का सेवन या जो इस तरह के मादक पदार्थ होते हैं उनका सेवन नहीं, उनका उत्पादन करना या इस तरह की चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। तंत्र में विशेष लाभ मिलेगा, ज्योतिष में विशेष लाभ मिलेगा, वास्तुशास्त्र में विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि आजकल मार्केट में ज्योतिषी और वास्तु वाले बहुत गजब गजब के हैं। एक बदलाव आपके घर में होगी, पैसे की बारिश। ठीक, आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में बना देंगे टॉयलेट, आपको हो जाएगा हार्ट अटैक, ऐसे ऐसे बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग आपसे आजकल बड़ा स्कैम चल रहा है ज्योतिष में भी, ये जो वेबिनार के चक्कर में, मेरे कुछ मित्र हैं उन्होंने बताया, नाम नहीं लूँगा, 20-20 हज़ार रुपये ले लेते हैं, 200-300 लोगों को एक साथ ज्वाइन कराते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते। तो ऐसे राहु जनित चाहे ज्योतिषी हैं चाहे राहु जनित वास्तु वाले हैं, इनसे बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में आपका मन खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बढ़ेंगी, आप खुद करना चाहें तो करें। तो शनि महाराज 3 दिसंबर से लेके 3 अक्टूबर से लेके 27 दिसंबर तक बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन लाभ प्राप्त करने का अवसर है। भूमि भवन वाहन संबंधित श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए क्या करें, ये पॉइंट है, क्या करें। देखिए इसके जो देवता है कौन है, वरुण है, जल के देवता है। ठीक है, राहु गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, सॉरी राहु गुरु की राशि में चल रहे हैं और शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं, या जल के देवता है। पॉइंट क्या है, जल के देवता राहु भगवान विष्णु के चक्र से निर्मित हुए हैं, सतविशा वृत्ताकार चक्र है, इसलिए नारायण कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं। नारायण का स्मरण करिए, नारायण की स्तुति करिए, नारायण का कोई स्त्रोत पढ़िए, बिल्कुल चीज़ें व्यवस्थित होके आपके जीवन में जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, भूमि वन वाहन संबंधी लाभ होगा, आप जादूगर होंगे, जो चीज़ इसमें करना चाहो आप कर ले जाओगे। तो श्रेष्ठ अवसर है मित्र, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और लाभ प्राप्त करिए। हमारी मंगलमय शुभकामना आपको, शनि महाराज को मजबूत रखना भी अत्यंत श्रेष्ठ फल देगा। क्यों, लेकर कौन आएगा, शनि ही तो लेके आएंगे, माध्यम कौन है, शनिदेव ही तो माध्यम है, इसलिए मीडिएटर को सदैव मजबूत रखिए। अगर मीडिएटर मजबूत है तो फटाफट चीजें आपके साथ कनेक्ट होंगी, नहीं डिसकनेक्ट हो जाएंगी। तो अपने शनिदेव को ठीक रखना। ओम प्राम प्रेम प्रम सह शनिश्चराय नमः। आपके पास शोषित वंचित पीड़ित व्यक्ति कभी मिल जाते हैं रस्ते में, आपको चलते मिल जाएंगे, भैया कुछ दे दो, आप दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते उनको प्रणाम करके आगे बढ़िए, नहीं भैया मेरे पास नहीं है, अभी असमर्थ हूँ, मैं नहीं दे सकता। लेकिन आप कदापि उनका भूल कर भी अपमान ना करें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण अस्तु।